तो फ्रेंड्स, जीएसटी में कुछ आईटीसी ऐसा है जो आपको पहले अवेलेबल नहीं था, बट अब आप उसको क्लेम कर पाओगे। सो लेट स्टार्ट। सो आई एम टॉकिंग फॉर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। Like इसमें लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ वर्कर्स का आईटीसी आपको नहीं मिलता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट मोटर व्हीकल में जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उस केस में तो आपको आईटीसी 100% अलाउड है। उसमें तो कुछ भी चेंज ना पहले था ना अब है, वो आपको पहले भी मिलता था आईटीसी, अभी भी आपको मिलता है। बट इफ आई टॉक अबाउट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो उसका आईटीसी आपको तभी अलाउ होता था जब उस व्हीकल की कैपेसिटी 13 से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बस सर्विस की बात करता हूँ तो उसका आईटीसी पहले भी अलाउड था, अभी भी अलाउड है। बट अगर व्हीकल की कैपेसिटी 13 से कम है तो वो सिर्फ 3 केसेस में अलाउड है। अब मैंने उस पार्ट को ऑलरेडी डिटेल्ड में बताया हुआ है, इस वीडियो में मैं कवर करके इसको लंबा नहीं करूंगा। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हो। नो नंबर 1, बस सर्विस आईटीसी इज अलाउड, इट वॉज नेवर डिसअलाउड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नाउ सेकंड पॉइंट, एज पर रीसेंट MHA गाइडलाइन, सम सर्विसेज आर नाउ कंपल्सरली टू बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। स्नैपशॉट अटैच्ड, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये MHA का एक्सट्रैक्ट है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनेक्स्ट 2, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, फॉर वर्कर्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी विल बी अरेंज्ड विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एम्प्लॉयर को बोला जा रहा है कि अपने एम्प्लॉय को आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी और मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द वर्कर्स भी मैंडेटरी कर दी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 सीजीएसटी एक्ट का डिसअलाउ करता है आईटीसी ऑफ कार हायर रेंट, बट लिखता है कि आईटीसी आपको मिल जाएगा अगर ये सर्विसेज ऑब्लिगेटरी हो जाती है एम्प्लॉयर के लिए टू प्रोवाइड इट्स एम्प्लॉई अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब मैं आपको अगर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का एक्सट्रैक्ट दिखाता हूं। लॉग्ड आईटीसी क्या लिखा हुआ था कि रेंट अ कैब लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट मतलब मिल जाएगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी ऐसी सर्विसेज जो ऑब्लिगेटरी है फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड इट्स एम्प्लॉई अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जैसे अभी लॉकडाउन है और COVID-19 है, तो ये है एक सिचुएशन जो अभी टाइम बीइंग इन फोर्स है। अंडर दिस सिचुएशन एम्प्लॉयर के लिए कंपल्सरी किया गया कि उसको कैब की फैसिलिटी देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉई को, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी। तो मतलब अब हमारी ये एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो जब भी एम्प्लॉयर कैब वालों को इस एक्सपेंस के लिए पे करेगा और विद जीएसटी पे करेगा, तो जो भी उसने जीएसटी पे किया होगा और अपनी बुक्स में बुक किया होगा वो उसको आईटीसी अब अलाउ हो जाएगा। बट अब हमारे लिए क्या एक्शन है, ये जो महाराष्ट्र का ऑर्डर आया ये आया 15 अप्रैल को, तो जो भी इनवॉइस एक्सपेंस इनवॉइस आपका 15 अप्रैल या उसके बाद आएगा टिल द टाइम दिस ऑर्डर इज इन फोर्स, तो जो भी उसका आईटीसी बनता होगा 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो वो आप अभी क्लेम कर पाओगे जो आपको आईटीसी पहले नहीं मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, कार हायर रेंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ वर्कर, कब तक क्लेम कर पाओगे? आई अज्यूम ये जो ऑर्डर रहेगा दिस विल कंटिन्यू टिल लॉकडाउन और एनी अदर स्पेसिफिक डेट वो आपके साथ शेयर हो जाएगी। सो आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस।